हम ऐसे आगे हिंदुस्तान में आपको अपने बच्चे लेकर ही जाएंगे, तब आपको एहसास होगा वाकई दर्द क्या चीज है। आज मेरे से गुजर रहे, आप बहुत खुशियां मना रहे हो और हंस रहे हो, कल वो मेरे दिन भी आएंगे, बच्चे मेरे पास होंगे, मगर मैं अल्लाह को फिर भी हाजिर नाजुर करके कहता हूँ, मैं वो शख्स नहीं हूँ जो तू बैठ के कर रहा है कि मैं आज तक तुमने बच्चों से बात नहीं करवाया। मैंने यही फैसला किया कि अल्लाह करे बच्चे मुझे मिल भी जाएंगे, बच्चे मेरे पास आएंगे भी ना, मैं आपसे ये वादा करता हूँ बच्चों से मैं आपको जरूर बात करूंगा। बिल्कुल सीमा, आप गलत हो। अगर आप बच्चों की माँ बनती और बच्चों की मुस्तकबिल सोचती तो शायद आप ऐसा नहीं करता। हाँ, तो दुनिया का कोई कानून बचा नहीं सकता सीमा, ये याद रखना। आपने इतना गलत किया ना, ऊपर वाला तो आपको माफ करेगा ही नहीं, मगर नीचे वाला जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत इंडिया है, वो भी आपको माफ नहीं करेगा, ये याद रखना। मैं एक बार कोशिश करूंगा ताकि मैं बच्चों को अपनी माँ से मिला सकूँ, ये मेरा आपसे वादा है। सीमा ने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई आपको मुखातिब होते हुए, आपके वकील को मुखातिब होते हुए, उसमें जिसमें ये सचिन भी कह रहा है कि बच्चे मैं पालूंगा। सीमा की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? सर, मैंने देखा है वीडियो, पर बिल्कुल वो बेबुनियाद बातें ऐसे कर रहे हैं, ऐसे उनको बात करने का तुक भी नहीं बनता। आपने खुद देखा क्या कह रहे हैं कि बच्चे मेरे हैं और इधर का कोई ताल्लुकात नहीं है। ये बिल्कुल सीमा, आप गलत हो। अगर आप बच्चों की माँ बनती और बच्चों की मुस्तकबिल सोचती तो शायद आप ऐसा नहीं करता। हाँ, एक माँ को ऐसा करना जेब नहीं देता। आप अच्छा काम किया नहीं है, आप जो बैठ के हंसी मजाक कर रहे हो, ये ए करेगा बी करेगा वो हम करेंगे, तो आपके सोच से भी बाहर है। जैसे हमने इधर आके ऐसी धमाके किया, हम ऐसे ही आके हिंदुस्तान में आपको अपने बच्चे लेकर ही जाएंगे, तब आपको एहसास होगा वाकई दर्द क्या चीज है। आज मेरे से गुजर रहे, आप बहुत खुशियां मना रहे हो और हंस रहे हो, कल वो मेरे दिन भी आएंगे, बच्चे मेरे पास होंगे, मगर मैं अल्लाह को फिर भी हाजिर नाजुर करके कहता हूँ, मैं वो शख्स नहीं हूँ जो तू बैठ के कर रहा है कि मैं आज तक तुमने बच्चों से बात नहीं करवाया। मैंने यही फैसला किया कि अल्लाह करे बच्चे मुझे मिल भी जाएंगे। कोर्ट तो फैसला जरूर देगा ना, मैं इंसान हूँ जो दर्द से मैं गुजर रहा हूँ, मैं कहता हूँ बच्चे मेरे पास आएंगे भी ना, मैं आपसे ये वादा करता हूँ बच्चों से मैं आपको जरूर बात करूंगा। वो आपका, ये आपका कर्म है, फिर मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं इधर हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं दर्द से गुजर गया ना, मैं वो शख्स नहीं हूँ। अगर आप जेल भी चले गए ना, आपको कोई दुनिया का कोई कानून बचा नहीं सकता सीमा, ये याद रखना। आपने इतना गलत किया ना, ऊपर वाला तो आपको माफ करेगा ही नहीं, मगर नीचे वाला जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत इंडिया है, वो भी आपको माफ नहीं करेगा, ये याद रखना। मैं एक बाप का दिल से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक बाप हूँ, मैं दिल तक भी आपको मैं ये कोशिश करूंगा ताकि मैं बच्चों को अपनी माँ से मिला सकूँ, ये मेरा आपसे वादा है। जो है ना, मैं बच्चों को कभी भी, जो है ना, आपने इतना जो किया है वो तो बर्दाश्त से भी बाहर है, सोच से भी बाहर है। जिस तकलीफ और दर्द से मैं गुजर रहा हूँ ना, मैंने फिर भी यही फैसला किया कि मैंने सुना, दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुआ, इतने इल्जाम लगाते हुए फिर भी मैं हैदर हूँ, मेरा दिल बड़ा है, मेरा कलेजा बहुत बड़ा है, मुझे अल्लाह ने सब्र दिया है, तो मैं जरूर, अब मेरे बच्चे हैं, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। आप एक माँ हो, तकलीफ दुख आपको भी होगा, जो कल ये बच्चे आपसे छीने जाएंगे तो तब तब आपको ये दर्द का एहसास होगा कि दर्द होता क्या है। आज आप हंस रहे हो और मैं रो रहा हूँ, ये दिन दूर नहीं है, मेरे अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा है, ये दिन जल्दी आने वाले हैं, बच्चे मेरे पास होंगे और आंसू तेरे बहेंगे, मगर मैं ये फैसला कर लिया है कि मैं बच्चों से आपको जरूर बात करूंगा।